Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 16th lecture on optimization. The course code is MTH374 and is for Masters of Mathematics students from ComSats Institute of Information Technology, Virtual Campus. Right, so it's our 16th lecture, and as usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. In the last lecture we talked about search methods and then a special type of search method which was called dichotomous search. Theek hai? तो सर्च मेथड में हमें क्या करना है, फंक्शन है उसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, इंटरवल गिवन होगा, उस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स लेने हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है. बेसिकली इन अ नटशेल यही होगा, फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है और देख लें उनमें से, अगर मैक्सिमा फाइंड करें उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये आपका मैक्सिमा हो जाएगा. ठीक है, तो ये सर्च मेथड है, ब्रूट फोर्स सर्च मेथड है. बेसिकली आप एक साइड से शुरू करें, फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट करें और एंड तक जाएं जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है वो मैक्सिमा है. लेकिन अब ये आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप कि अब एक इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, आप डेफिनेटली सब पॉइंट्स के ऊपर तो फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते ना. तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने थोड़ा सा इसको केयरफुली चूज करना है कि आपको फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज तो करनी है, लेकिन हम हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके तो फिर मैक्सिमा या मिनिमा जो भी हम फाइंड करें वो नहीं करना चाह रहे. हम फंक्शन की वैल्यू सिर्फ एक फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसी में मैक्सिमा और उसी में मिनिमा हम ढूंढना चाह रहे हैं. तो उस फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके हम मैक्सिमा मिनिमा भी ढूंढना चाह रहे हैं और वो मैक्सिमा मिनिमा के बहुत क्लोज हम पहुंचना चाह रहे हैं. ऐसे ही बहुत रैंडम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं चाह रहे हम, जो ओरिजिनल हमारी मैक्सिमम वैल्यू है जो हमें पता नहीं है उसके हम बहुत क्लोज जाके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं. तो ये हमारे पास बेसिकली सर्च मेथड्स होते हैं. तो अब सर्च मेथड में बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जो पॉइंट्स जिनके ऊपर आप सर्च कर रहे हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. उन सर्च पॉइंट्स को आपने केयरफुली चूज करना होता है, इस तरह चूज करना होता है कि आपकी जो सर्च है वो बहुत जल्दी एंड हो जाए. उन पॉइंट्स को एज बेस्ट एज पॉसिबल आपने वो जो सर्च पॉइंट्स जिनके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके अपना मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढ रहे हैं, उनको आपने केयरफुली चूज करना है कि आप अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसके ऊपर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचे. ठीक है, और आपका जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया, जो भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा, आइट्रेशन इतनी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी जो मैक्सिमम है वो लेट्स से पॉइंट्स के बाद लेट्स से 5 digits तक जो है वो करेक्ट होना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है, जो भी आपका क्राइटेरिया, आपके इंटरवल का साइज इतना या इससे कम होना चाहिए, ये सब के सब इसके ऊपर क्राइटेरिया हो सकते हैं, स्टॉपिंग क्राइटेरिया. तो जो भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपका वो जल्दी से जल्दी मीट हो जाए, आपने ऐसे पॉइंट्स तलाश करने हैं, ऐसे सर्च पॉइंट्स लेने हैं. ठीक है, तो सारा मेथड जो है वो बेस्ड होता है सर्च पॉइंट्स कैसे चूज करेंगे. सारे का सारा मेथड जो भी आपका होगा वो इस चीज के ऊपर बेस्ड होगा कि आपने सर्च पॉइंट्स को कैसे चूज करना है. तो एक हमने उसमें से देखा था डाइकोटमस सर्च, हमने इसको कहा था. डाइकोटमस सर्च में हम सर्च पॉइंट्स कैसे चूज करते हैं, बहुत आसान है, इतना मुश्किल मेथड नहीं है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैलकुलेशंस हैं इसमें लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है. क्या है कि आपका जो भी इंटरवल है उसके मिड पॉइंट पे आप चले जाएं, उस मिड पॉइंट के अराउंड आप फंक्शन की जो है वो दो वैल्यूज लेंगे. ठीक है, उस मिड पॉइंट के अराउंड आप दो सर्च पॉइंट्स लेंगे. कैसे लेते हैं, आपने एक एप्सिलॉन पहले से फिक्स किया हुआ था डाइकोटमस सर्च की, हमने आज भी बात करनी है और फिर होपफुली फिबोनाची सर्च की भी बात करनी है. तो डाइकोटमस सर्च में हमने क्या करना था, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है, एक इंटरवल गिवन होता है जिसके अंदर उसका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आप फाइंड करें वो लाई करता है, और फिर एक एप्सिलॉन हमें गिवन होता है. वो एप्सिलॉन हम क्या करते हैं, पहले से प्री डिफाइंड होता है वो, हमारा यूं समझें कुछ सॉर्ट ऑफ स्टेप साइज है कि आप जो मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट है इंटरवल का, उस पे पहुंचेंगे, उसके अराउंड आपने दो पॉइंट सर्च पॉइंट्स लेने होते हैं ना. वो दो सर्च पॉइंट्स कैसे लेते हैं आप, उस मिड पॉइंट के, उस मिड पॉइंट जो आपके इंटरवल का मिड पॉइंट है उससे एप्सिलॉन लेट्स से एप्सिलॉन बाई टू लेफ्ट पे चले जाते हैं और एप्सिलॉन बाई टू राइट पे. तो मिड पॉइंट में से बेसिकली आप एप्सिलॉन बाई टू माइनस कर देते हैं और एप्सिलॉन बाई टू पॉज में एड कर देते हैं. तो ये बेसिकली हमारा, हम जाना हमने मिड पॉइंट के ऊपर है. डाइकोटमस सर्च हर स्टेज के ऊपर आपके इंटरवल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, हर स्टेज के ऊपर डाइकोटमस सर्च, डाई मींस टू, सो डाइकोटमस डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स.
तो हर स्टेज के ऊपर आपके इंटरवल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक पार्ट में मैक्सिमम या मिनिमम जो आप फाइंड कर रहे हैं वो होता है, दूसरे में नहीं होता. तो एक इंटरवल का जो पार्ट है, हाफ है, वो हर स्टेज के ऊपर एलिमिनेट हो जाता है. तो हर स्टेज के ऊपर आपका इंटरवल डिवाइड हो रहा होता है, स्मॉलर स्मॉलर होता जाता है. तो 1/2 हर स्टेज के ऊपर आपका जो इंटरवल है उसका साइज कम हो जाता है. ठीक, रफली 1/2, एग्जैक्टली नहीं होता, ये आपको पता है. अब इस फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना है. ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है. मैंने दो एक स्टेप्स इसके करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा. और उसके बाद मैं आपको टेबल तो मैंने दे ही दिया वैल्यूज का, जो इसकी मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं. अब मिनिमम यहाँ पे नीचे जाके आप देखेंगे ना, तो ये मिनिमम वैल्यू आपकी, ये वैल्यू आ रही है. ठीक है, इस फंक्शन की, और ये उससे थोड़ी सी बड़ी है. ठीक, लेकिन पॉइंट ये कि ये मैंने फाइंड करना. अच्छा, चलें इसको करने की कोशिश करते हैं. हमने इसके 5 स्टेप्स करने हैं और टोटल 10 सर्च पॉइंट्स लेने हैं आपने. इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने मर्जी सर्च पॉइंट्स लें, आपकी मर्जी है. जितनी आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए उतने ज़्यादा सर्च पॉइंट्स ले लें. ठीक है, लेकिन हम सिर्फ जो है वो 10 सर्च पॉइंट्स लेंगे. उसके 2-3 स्टेप्स मैं आपके साथ मिलकर ट्रेस करता हूँ, और फिर इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट अपने मेथड के ऊपर मूव हो जाना है. सर्च पॉइंट्स कैसे लेने हैं? अब ये आपका इंटरवल है, इसका पहला सर्च पॉइंट क्या होगा? XS1. इसके मिड पॉइंट पे मैंने अभी आपको कहा कि इस मिड पॉइंट पे जाना है आपने. सो 3+0 आप करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मिड पॉइंट हो जाएगा ना. और अब मिड पॉइंट पे ऊपर आप पहुंच गए 1.5 के ऊपर. लेकिन ये एक सर्च पॉइंट है ना, आपको इसके 2 सर्च पॉइंट्स चाहिए हर स्टेप के ऊपर. तो 2 सर्च पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं. तो डाइकॉटमस सर्च ये कहता है कि एक सर्च पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसमें से जो एप्सिलॉन होगा उसको माइनस कर दें, और इसमें से एप्सिलॉन को आप, इसमें एप्सिलॉन को आप ऐड भी कर दें. तो XS2 जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3+0 +0.10. ठीक है, तो ये वाला आपके 1.45 आ जाएगा, यहाँ पे ये देख लें. और दूसरा ये वाला पॉइंट आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये 1.55 आ जाएगा. ये आपके पास 2 सर्च पॉइंट्स हो गए. ठीक है, सिंपल था ना, मुश्किल नहीं है सर्च पॉइंट्स निकालना. अब इन सर्च पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जस्ट कैलकुलेट करनी है. फंक्शन की आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली आपके पास हो जाएगा y of 1.45. आप क्या करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1.45 - 1 स्क्वायर. तो 0.45 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं अभी ये क्या आता है. और इसी तरह y ऑफ आपने क्या करना है, 1.55 करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 1.55 - 1 स्क्वायर. इसी तरह 0.55 का स्क्वायर. ठीक है, ये कैलकुलेट कर लें. ये कैलकुलेट आप करेंगे तो 0.45 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2025. और इसी तरह 0.55 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3025. ये दोनों वैल्यूज मैंने लिखी हुई है यहाँ पे. ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू आप मिनिमम फाइंड कर रहे हैं ना, मिनिमम फाइंड करें पहले, मैक्सिमम लास्ट एग्जाम्पल में हमने मैक्सिमम फाइंड करें, यहां मिनिमम फाइंड करें. तो ये वाली वैल्यू इससे स्मॉलर है ना, स्मॉलर 0.3025 पे से स्मॉलर है. तो इसका मतलब है फंक्शन का जो मैक्सिमम है ना वो इस साइड के ऊपर होगा. इंटरवल अगर ये है ना 0 से 3, और ये 1.45 है और ये 1.55 है, तो इंटरवल का जो मिनिमम है वो इस साइड पे होगा. ठीक है, क्योंकि इस तरफ स्मॉलर वैल्यूज हैं और दूसरी तरफ बिगर वैल्यूज हैं. तो हम इंटरवल का जो साइज है वो हर स्टेज के ऊपर ज्यादा लेते हैं. तो अब जो नेक्स्ट मेरा इंटरवल है ना, जिसमें मिनिमम हो सकता है वो है 0 से 1.55. ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट इंटरवल ले लिया. अब इसके अंदर मैंने 2 सर्च पॉइंट्स ढूंढने हैं, 2 सर्च पॉइंट्स ढूंढने हैं और उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और मैंने नेक्स्ट इससे आगे चलना है. तो मेरे पास इंटरवल है 0 से 1.55. ठीक है, ये मैं, आप प्लीज़ मेरे साथ मिलके करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, इसलिए मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ इसको. 0 से 1.55. अब पहला सर्च पॉइंट इसमें क्या ढूंढना है, XS1 क्या हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट पे जाना है आपने, और उसमें से आप एप्सिलॉन माइनस करते हैं और एप्सिलॉन इसमें ऐड करते हैं. तो 1.55 प्लस 0 ही होगा, तो इसमें से 0.10 माइनस कर दें, और XS2 क्या हो जाएगा, 1.55 + 0.10/2. ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा. तो ये कर लें आप, ये हो जाएगा 1.55 - 0.10/2. तो ये आ जाएगा
आपके पास 0.725, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा सर्च पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा सर्च पॉइंट आ जाएगा 1.55 प्लस 0.10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1.55 प्लस, सॉरी 1.55 प्लस 0.10, ये हो जाएगा 1.65, ये हो जाएगा 1.65 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.825, ये आएगा ना। दो सर्च पॉइंट्स मिल गए, दो सर्च पॉइंट्स हमें मिल गए, इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को हमने इवैल्यूएट करना है। फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे आप तो y ऑफ s1 क्या हो जाएगा, y ऑफ s1 हो जाएगा, सॉरी x s1 हो जाएगा, ये x है, ये हो जाएगा 0.725 माइनस 1 स्क्वायर, और y ऑफ x s2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.825 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप कर लें 0.725 माइनस 1, ये मैं वैल्यूज़ में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आप साथ मिलके करें इसलिए मैं सब कुछ कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये हमें नज़र आ रही है वैल्यू क्या होगी। 0.075625, और ये वैल्यू क्या होगी 0.825 माइनस 1, तो ये आ जाएगा पॉइंट माइनस का 0.175, लेकिन इसका स्क्वायर आप लेंगे तो ये पॉजिटिव दोबारा हो जाएगा 0.030625। वैल्यूज़ मैं आपको टेबल में दोबारा दिखा देता हूँ, ये देख लें वैल्यूज़, ये भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, वहाँ पे भी ये वैल्यू आ रही है, यही मेरे हमारे ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली ये वैल्यूज आ रहे हैं। अब इनमें से देखें मिनिमम कौन सी है, ये वाली वैल्यू जो है एक्स एस वन, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो हमने तो मिनिमम ढूंढना है, तो मिनिमम इस तरफ आएगा ना, ठीक है, क्लियर है ना, मिनिमम इसी तरफ आएगा ना। तो अगर ये इंटरवल है मेरे पास 0 से 1.55, और इसके दरमियान ये 0.725 पड़ा हुआ है, ये वाला 0.825 पड़ा हुआ है, तो जो मिनिमम है वो इस तरफ को अकर कर रहा है, इस तरफ मिनिमम नहीं है, इस तरफ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैंने मिनिमम लेना है तो इंटरवल को मैं बड़ा कंसिडर करता हूँ, तो वो है 0.725 से 0.825 तक, ठीक है, ये मेरा इंटरवल है जिसके अंदर नेक्स्ट मेरे पास मिनिमम मैं वैल्यू फाइंड करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 0.725 0.825 के दरमियान इसका अगर मैंने मिनिमम ढूंढना है तो वो कैसे आएगा फिर मिनिमम, सॉरी ये 0.825 नहीं है, ये है 1.55। नेक्स्ट सर्च पॉइंट्स आप ढूंढेंगे, नेक्स्ट सर्च पॉइंट्स आप इसमें से देख लें क्या सर्च पॉइंट्स, नेक्स्ट दोनों सर्च पॉइंट्स आपको पता है, यहाँ से मैंने आपको बताए हैं, ये इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, ये सर्च पॉइंट्स हैं दोनों, जब आप कैलकुलेट कर लेंगे और उसके ऊपर ये फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने ये करना है कि अब ये इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से स्मॉलर है ना, तो अब जो आपका इंटरवल है वो कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया ना, तो 0.725 से 1.1875 पे चला जाएगा, ठीक है। अब दोबारा सर्च पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसी तरह फिर ये वाली वैल्यू जो है इससे बिगर है, तो इंटरवल जो है वो कहाँ चला जाएगा, जो इंटरवल है 0.90625 से 1.1875 पे आप जाएंगे, ठीक है। और फिर ये सर्च पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये देखें फंक्शन की वैल्यू जीरो के बहुत क्लोज हो रही है, आपको पता ना ये x माइनस वन स्क्वायर क्या होता है, इसका ग्राफ तो आपको पता होगा होपफुली, इसका ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोला होता है ना, इसका y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है, और पैराबोला ये किस तरह का है, ये अगर ओरिजिन है तो पैराबोला x को अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो y वन हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ वन है और y जीरो होगा तो x क्या होगा, x माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, यहाँ पे ये पैराबोला, ठीक है, इस तरह का पैराबोला, सही है। तो अब इस पैराबोला का आपको पता है ये x इज इक्वल टू वन, इसका मिनिमम पॉइंट होता है ना, सिंपल सी बात है, हमें पता है ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इसके ऊपर मिनिमम के ऊपर इसकी वैल्यू भी जीरो है, तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जीरो है और वो मिनिमम अकर कर रहा है x इज इक्वल टू वन के ऊपर,
अब यहाँ पे आप जाएं दोबारा टेबल में, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम आ रहा है 0.996875, तो ये 0.999 ऑलमोस्ट है ये, ठीक है, तो 1 के बहुत क्लोज वैल्यू है, और मिनिमम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.00050 जीरोज हैं, तो मतलब ये 0 के बहुत क्लोज है मिनिमम इसका, ठीक है। तो यही हम अचीव करना चाह रहे थे ना, हमें पता है कि इसका मिनिमम जो है वो 1 के ऊपर है, और एक स्टेप आप और करेंगे तो ये देखें इंटरवल, ये वैल्यू इससे लेस है ना, तो इंटरवल कौन सा बचेगा, इंटरवल आपका बचेगा यहाँ से इस पॉइंट तक आपकी मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप ये लेंगे 0.90625 और इसके दरमियान में ये दोनों पॉइंट्स होंगे, तो आप जब इनको इनके सर्च पॉइंट्स दोबारा फाइंड करेंगे ना, तो अब आपके सर्च पॉइंट जो हैं वो 1 के बहुत क्लोज चले जाएंगे, और ये वैल्यू और भी स्मॉलर होती जाएगी। तो अगर आप और ज़्यादा स्टेप्स करेंगे तो अब वैल्यू आपकी एक्स की जो वैल्यू है वो 1 के क्लोज होती जाएगी, और वाई ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के बहुत क्लोज होती जाएगी। तो ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम है, डाइकोटमस सर्च है, हर स्टेज के ऊपर आपके इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट था, एक एग्जांपल मैंने आपके साथ और कर दी। तो आपने ढूंढने हैं वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू, दोनों ढूंढने, मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं तो मैक्सिमम के पॉइंट्स ढूंढने हैं, मिनिमम के मिनिमम ढूंढ रहे हैं तो मिनिमम के पॉइंट्स ढूंढने, तो उन पॉइंट्स के ऊपर आपने हर स्टेज के ऊपर 2 सर्च पॉइंट्स लेने हैं। कैसे कैलकुलेट करने हैं, मिड पॉइंट के अराउंड होंगे दोनों सर्च पॉइंट्स, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन करेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट के ऊपर दोनों सर्च पॉइंट्स होंगे, उन 2 सर्च पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज फाइंड करनी है फंक्शन की, और फिर हर पॉइंट के ऊपर आप इंटरवल को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड कर देंगे, तो आपका इंटरवल हाफ में डिवाइड होता जाएगा, और इन द एंड आपका लेट्स से 7 स्टेप के बाद आपके इंटरवल का जो ओरिजिनल के साथ साइज का रेशियो है वो 1/2 to the power 7 वो साइज होगा उसके जो ओरिजिनल इंटरवल है उसके मुकाबले में आपका, ठीक है। तो ये आपका डाइकोटमस सर्च है, हर स्टेज के ऊपर 2 पार्ट्स में इंटरवल को डिवाइड करना है, हर स्टेज के ऊपर 2 सर्च पॉइंट्स होंगे, दोनों सर्च पॉइंट मिड पॉइंट के क्लोज होंगे, सर्च पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं ये यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह सर्च पॉइंट्स हमेशा फाइंड करेंगे, और आपने जो भी आपका प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का वो आप इस तरह इससे सॉल्व कर लेंगे, 1 वेरिएबल के लिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर होगा, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने सर्चिंग ही करनी है फंक्शन की वैल्यूज, सर्च पॉइंट्स ढूंढने हैं, फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी, मिनिमम ढूंढना है तो सबसे छोटी वैल्यूज लेते जाएं, मैक्सिमम ढूंढना है तो जो मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यूज को सैंडविच करते जाएं, तो आप इन द एंड मैक्सिमम मिनिमम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डाइकोटमस सर्च मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी, तो ये आपके पास इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम आपने फाइंड करना था, तो मिनिमा आपको पता है कहाँ पे, मिनिमा है x इज इक्वल टू 0 पे, और मिनिमम वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 पे, और मिनिमम वैल्यू है y ऑफ 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने फाइंड किए, वो फिफ्थ स्टेप में हमें इसके बहुत क्लोज वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स थी 2। अब डाइकोटमस सर्च होती क्या है, सिंपल सी मैं आपको इसकी बता देता हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, बहुत कंसेप्चुअली सिंपल आइडिया है, मैंने अभी आपको बताया, बहुत काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि बहुत कंसेप्चुअली सिंपल है, डाइकोटमस इसको कहते हैं, ये यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, और डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, डाइकोटमस मींस डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, सो ट्राई टू स्प्लिट इंटरवल इन हाफ ऑन एवरी स्टेप, हर स्टेप के ऊपर आप इंटरवल को हाफ में डिवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट हाफ होता है, आई एग्री, काफ़ी बार मैं कह चुका हूँ, ये आपका टोटल इंटरवल है, इसकी लेंथ एल नॉट है, इसके आपने हाफ में डिवाइड करना है, इसके आप मिडल में जाना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना, यहाँ पे आप हाफ में डिवाइड करें, ये साइड मिल जाए या ये साइड मिल जाए, तो आपने बेसिकली इंटरवल को हाफ में डिवाइड कर दी। अब आप क्या करते हैं, ये इसका हाफ है ना, और अब क्या करते हैं, ये मिड पॉइंट पे आ गए ना आप, तो एप्सिलॉन को बहुत स्मॉल वैल्यू लेते हैं, तो ये जो मिडल पॉइंट है ना, इसके थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इस साइड, तो आप एक सर्च पॉइंट यहाँ पे होगा, एक सर्च पॉइंट दूसरी साइड पे होगा, तो एप्सिलॉन जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, लेंथ के हिसाब से बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, तो आप मिडल में पहुँच गए। अब आप क्या करेंगे, अब अगर ये वाली वैल्यू बिगर है इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू से बिगर है, तो फिर आपको पता है कौन सा साइड पे होगा ना मैक्सिमम, आप मिनिमम फाइंड कर रहे हैं इस केस में हम, तो मिनिमम किस साइड पे होगा, ये वाली वैल्यू बिगर है
तो ये वाली साइड आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाली साइड आ जाएगी, मिनिमम फाइंड कर रहे हैं ना, तो जिस तरफ मिनिमम वैल्यूज हैं वो वाली साइड आप ले लेंगे, ठीक है। ये हाफ यहां तक था, ये हाफ था, ये हाफ है इंटरवल का, लेकिन इसके साथ ये थोड़ा सा और ऐड हो गया, तो ऑलमोस्ट हाफ में आपने डिवाइड करना है इंटरवल को, ठीक है। ओके, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर हर स्टेज के ऊपर आपको पता है इंटरवल साइज क्या होगा ना, हाफ होगा पिछले का, लेकिन थोड़ा सा उसमें ऐड होके एप्सिलॉन बाई टू ऐड होके आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मैंने लिखा हुआ है कि इंटरवल साइज आफ्टर वन स्टेप क्या होगा और इंटरवल साइज जो है आफ्टर एम स्टेप्स क्या होगा, ये आपको पता है ये क्या होगा, ठीक है। तो एल नॉट ओवर टू एम हर स्टेज के ऊपर आप डिवाइड कर रहे हैं इंटरवल को टू के साथ, तो दूसरे स्टेप में वन ओवर टू हो जाएगा, वन ओवर फोर हो जाएगा। तो अगर आप इससे एल टू फाइंड करें ना, तो एल टू आ जाएगा एल नॉट ओवर फोर, तो आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो दूसरे स्टेज में इंटरवल फिर हाफ हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन इंटू वन माइनस वन ओवर फोर आ जाएगा बेसिकली। तो ये बेसिकली फोर माइनस वन, तो ये एप्सिलॉन इंटू थ्री बाई फोर हो जाएगा, थ्री बाई फोर एप्सिलॉन। तो ये इंटरवल में एप्सिलॉन थोड़ा थोड़ा ऐड होता जाएगा, लेकिन जो इंटरवल का साइज है वो रफली हाफ में डिवाइड हो रहा है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया, काफ़ी हमने पीछे इसकी डिटेल की, तो ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हर स्टेज के ऊपर आप डिवाइड करें। सर्च पॉइंट्स आपको पता है, सर्च पॉइंट्स नहीं भूलने आपने। सर्च पॉइंट्स आपके क्या होंगे, एक्स एस वन होगा, इंटरवल अगर ए बी है, मैं इंटरवल अगर ए बी ले लूँ तो वो होगा ए प्लस बी, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन वन बाई टू। और एक्स एस टू क्या होगा, वो होगा वन बाई टू ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये दोनों सर्च पॉइंट्स हैं, आपने लेने हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपके पास डाइकॉटमस सर्च की बात है, सिंपल, आई एम श्योर आपको क्लियर होगा, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा मेथड है ये, बहुत सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। ओके, हर स्टेज के ऊपर तीन चीज़ें याद रखनी है, हर स्टेज के ऊपर दो स्टेप्स, हर स्टेप के ऊपर दो सर्च पॉइंट्स लेने हैं, दो सर्च पॉइंट्स मिड पॉइंट के अराउंड होंगे, हर स्टेज के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर इंटरवल को हाफ में डिवाइड करना है, सिंपल, ठीक है। एग्जांपल दोबारा ट्रेस कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, जो चीज़ें नहीं भी क्लियर हुई वो भी आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद हमने एक और नई मेथड की बात करनी है, जिसको हम कहते हैं फिबोनाची सर्च मेथड या फिबोनाची सर्च सीक्वेंस, जो भी आप कहना चाहें। उसमें एक हमारे पास टर्म यूज़ होती है जिसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। हो सकता है आपने ये नाम सुना हो, जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, हो सकता है फिबोनाची सीक्वेंस का नाम सुना हो। बहुत आसान सी सीक्वेंस है ये, लेकिन बहुत यूज़फुल है, आपको बहुत सारे एरियाज में आपको ये मिलेगी, मैथमेटिक्स के भी, बायोलॉजी के भी, और केमिस्ट्री के, इस तरह के बहुत सारे एरियाज में आपको फिबोनाची सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस बहुत सिंपल और थोड़ी क्यूरियस है। कैसी है ये कि इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है ना सीक्वेंसेस की, वो होती हैं वन होती हैं, एफ नॉट भी वन होती है, एफ वन भी वन होती है। उसके बाद जो है बाकी सारी टर्म्स जो हैं एफ टू और उससे राउंड अबाउट, उसमें आपने क्या करना है कि उससे पीछे वाली दो टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है। तो एफ टू के पीछे वाली टर्म्स हैं एफ नॉट और एफ वन, इन दोनों को ऐड करके एफ टू बनेगा। एफ थ्री के पीछे टर्म्स हैं एफ टू और एफ वन, इन दोनों को ऐड करके एफ थ्री बनेगा। तो यहां देख लें, जीरो के लिए ये वन है, वन के लिए भी वन है, ये मैंने आपको बता दिया। टू के लिए क्या होगा, इन दोनों का सम टू है। थ्री के लिए क्या होगा, इन दोनों का सम थ्री है। फोर के लिए क्या होगा, इन दोनों का सम फाइव है। फाइव के लिए क्या होगा, इन दोनों का सम एट है। और सिक्स के लिए क्या होगा, इन दोनों का सम जो है थर्टीन है, ठीक है। सेवन के लिए क्या होगा, थर्टीन प्लस एट ट्वेंटी वन। एट के लिए क्या होगा, एट के लिए होगा ट्वेंटी वन प्लस थर्टीन, ठीक है। नाइन के लिए क्या होगा, थर्टी फोर प्लस ट्वेंटी वन, और इसी तरह। बस पीछे वाली दो टर्म्स जो इमीडिएट हैं उन दोनों को ऐड करना है, और इससे आगे भी आप सारे बना सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से 14 आपने लिखना हो तो 14 के लिए क्या बनेगा, 233 प्लस 377, तो ये आप कर लें, ये क्या हो जाएगा, 0 1 6 6 1 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 14 के लिए है, 15 के लिए लिखना चाहें तो 610 प्लस 377, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, बहुत सिंपल है, ऐसे खेल रहे हैं हम। तो 15 के लिए क्या हो जाएगा, 610 प्लस 377, तो ये हो जाएगा 9
एट सेवन आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 16 के लिए, 17 के लिए, जितना मर्जी आप करें, सही है। तो ये सब वैल्यूज़ के लिए, सब पॉइंट्स के लिए आपको ये वैल्यू जो है पता होती है फिबोनाची सीक्वेंस। आप ये देखें, ये बहुत बहुत जो है वो जल्दी इंक्रीज कर रही होती है। ये स्टार्ट में बहुत स्लो है इसकी प्रोग्रेस, उसके बाद ये 233 से 377, फिर 610 पे चली गई, 610 से 987 पे चली गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत तेज़ी से रैपिडली इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टर्म्स हमारी बड़ी होती जाती है। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है आपके पास। तो ये जो हमारे पास फिबोनाची सर्च मेथड है, हर सर्च मेथड में सिर्फ ये फ़र्क होगा, आपने सर्च पॉइंट्स कैसे चूज़ करने, सर्च पॉइंट्स कैसे चूज़ करने, ये फ़र्क है हर स्टेप, हर जो नया मेथड आप कर रहे हैं उसमें और पिछले मेथड में ये फ़र्क है। अगर सर्च मेथड को बेहतर तरीके से चूज़ करेंगे ना, तो आप अपने एंड रिजल्ट पे जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर सर्च मेथड्स को बेहतर तरीके से चूज़ करेंगे तो अपने एंड पॉइंट्स पे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यही हमारा एम है ना, कि हम एंड पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाएं, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। हर स्टेज के ऊपर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है ना, आपने इंटरवल बनाना है, इंटरवल के बाद उसमें दो सर्च पॉइंट्स निकालने हैं, दो सर्च पॉइंट्स निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, दो सर्च पॉइंट निकालने के बाद आपने उनके वर्क फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका कंपैरिजन करना है, फिर नए इंटरवल पे पहुंचेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी कैलकुलेशन और हेक्टिक कैलकुलेशन हो जाती है। तो अब आप इसको कम करना चाह रहे हैं ना, तो कम करने के लिए आप इसको नंबर ऑफ आइट्रेशन कम करें ना, ताकि हम अपने रिजल्ट पे जल्दी पहुंच जाएं। तो अगर आप सर्च में जो पॉइंट्स हैं उनको बेहतर तरीके से ऑलरेडी अपने मैक्सिमम या मिनिमम के क्लोज क्लोज सर्च पॉइंट्स को चूज़ करेंगे तो जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये थोड़ा केयरफुली हमने चूज़ करना होता है कि तो जितना भी आपकी सर्च का जो फ्रिक्वेंसी है, जितने उसके स्टेप्स हैं, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको कम से कम करना है। तो हर नया मेथड जो है वो उसके सर्च पॉइंट्स को कम करता है या उसकी प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी को कम करता है। तो फिबोनाची सीक्वेंस जो है ना, ये जल्दी कन्वर्ज कर जाती है, सॉरी फिबोनाची जो सर्च मेथड है ये जल्दी कन्वर्ज कर जाता है, इन द सेंस कि अगर आप डाइकोटमस सर्च से लेट्स से 15 आइटरेशन में किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो फिबोनाची में हो सकता है आप उसी पॉइंट के ऊपर मे बी 5 या 10 में पहुंच जाएं। तो 5-6 स्टेप्स का अगर फ़र्क पड़ रहा है तो काफ़ी फ़र्क है, इससे हमारा मे बी हाफ एन आवर बच जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब इसी तरह सिर्फ ये एक मेथड हमें मिल गया ना, वो काफ़ी है। जिन जिन प्रॉब्लम्स के लिए डाइकोटमस वर्क करता है उन्हीं के लिए फिबोनाची वर्क करता है, उन्हीं के लिए नेक्स्ट जो मैं मेथड करूँगा वो वर्क करता है। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि जो जल्दी वहाँ पहुँचा दे हमें, हम उसको लेंगे। ये जो ज़्यादा थोड़ा सिंपल हो कैलकुलेट करने में तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो फिबोनाची सर्च मेथड में क्या होगा ये हम करने जा रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे मैंने एग्जांपल से स्टार्ट किया था और बाद में थोड़ी सी थ्योरी आपको बताई थी, यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि वही फंक्शन है, मिनिमाइज करना है उसको, सॉरी मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स को, और इंटरवल वही है 0 से पाए 14 पॉइंट सर्च करनी है, और एप्सिलॉन भी वही है 0.001 रेडियन। सिर्फ आप ये नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्च पॉइंट्स का फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्च पॉइंट्स का फ़र्क पड़ेगा, इसके अलावा इन दोनों मेथड्स में कोई और डिफरेंस नहीं है। तो सर्च पॉइंट्स हमने इसके डिफरेंटली चूज़ करने हैं। फिबोनाची नंबर्स आप याद रखिएगा, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, फिबोनाची नंबर्स इसमें यूज़ होंगे क्योंकि ये फिबोनाची सर्च मेथड कहलाता है ना, तो फिबोनाची नंबर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। ये देखें, आपने सर्च पॉइंट्स देखें इसमें मेथड में और उस मेथड में, आपको सिर्फ ये फ़र्क लगेगा कि सर्च पॉइंट डिफरेंटली चूज हो रहे हैं। अब ये मेरे पास फिबोनाची के ये सर्च पॉइंट्स होते हैं हर स्टेज के ऊपर, ठीक है। अब ये एफ एन माइनस वन और एफ एन क्या है, ये फिबोनाची नंबर्स हैं। अब एन क्या है, एन नंबर ऑफ जो आइट्रेशन है ना वो आपने पहले चूज किया है, या नंबर ऑफ सर्च पॉइंट्स हैं जो आपने पहले चूज किया है। तो एन इज इक्वल टू 14 है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 14 है। तो आपको ये पता है कि फिबोनाची नंबर f ऑफ n जो है 14 के लिए, फिबोनाची नंबर यहाँ पे मैंने लिखा था 14 के लिए 610 है, ठीक है, f ऑफ n 610 है, और f ऑफ n माइनस वन जो है वो है मेरे पास 377 आई थिंक, 377, ठीक है, ये 377। तो इसमें ये दो चीज़ें मिस्टीरियस थी, ये आपको पता चल गई। बाकी इंटरवल आपका a भी होगा, तो पहला सर्च पॉइंट है बी माइनस, ये बी माइनस ए है इंटरवल की लेंथ टाइम्स दिस रेशियो ऑफ फिबोनाची नंबर्स, और दूसरा क्या होगा,
एक्स टू टाइम्स ए प्लस एक्स टू इक्वल टू ए प्लस क्या होगा फिर लेंथ ऑफ द इंटरवल इनटू रेशियो ऑफ दिस फिबोनाची नंबर्स. तो ये आपके पास बेसिकली है. ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा वार्न कर दूँ, ये फिबोनाची सर्च के थोड़ा सा वेरियंट्स भी हैं मेथड ना, एक से ज़्यादा इसके लोग वेरियंट्स कंसिडर करते हैं, लेकिन हम यही वाला कंसिडर करेंगे और ये काफ़ी एफिशिएंट है. वेरियंट्स थोड़े से होते हैं, मैं अभी थोड़ा सा आगे जाके आपको बता दूंगा कि वेरियंट क्या हो सकता है इसका. तो अब ये मेरे पास सर्च है ना, ये सर्च पॉइंट्स ऐसे निकालने क्या है, इंटरवल मेरे पास क्या है इस केस में, इंटरवल है जीरो से पाए तक. ठीक है, तो बी क्या हुआ, ये ए है ये बी है, बी मेरे पास हो गया पाए 3.141593. ठीक है, माइनस फिर बी माइनस ए, तो इस इंटरवल की लेंथ क्या है, बी माइनस ए क्या है, वो भी पाए है, तो हो गया 3.141593. और फिर एफ ऑफ एन माइनस वन एफ 13377 है और एफ एन 610 है. ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.1984. ठीक है, तो ये आपके पास एक्स वन. ठीक है, ये पहला सर्च पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया. दूसरा सर्च पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए जीरो है प्लस 3.141593 इनटू 377 ओवर 610, तो ये आपके पास दूसरा सर्च पॉइंट आ जाएगा, वो है 1.941606. अब फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, यही फंक्शन है ना, इसके ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. मैं करता हूँ ताकि आप भी कर लें इतनी देर में. तो क्या हो जाएगा, 1.199984. ठीक है, 1.199984 और इसके साथ आपने कॉज ऑफ दिस मल्टीप्लाई करना है, कॉज ऑफ 1.199984. तो ये क्या आ जाएगा, 0.4348 ये मेरे पास आ रहा है. ठीक है, और दूसरी वैल्यू आप होपफुली वेरीफाई करें, एक आध डिजिट का अगर फ़र्क आ रहा है कोई मसला नहीं है, आप वो वाले डिजिट्स ले लें, वैल्यू में ज़रा सा फ़र्क आएगा लेकिन आप मैक्सिमम मिनिमम पे पहुंच जाएंगे, साथ साथ ही पहुंचेंगे. ओके, सो दूसरी वैल्यू है 1.941606 और टाइम्स कॉज ऑफ 1.941606, तो ये आपके पास मेरे पास आ रहा है -0.703580, यही आ रही है दोनों वैल्यूज. ठीक है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, फंक्शन को याद रखिएगा, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं. चलें मैक्सिमाइज कर लेते हैं. अब इसमें देखें वैल्यू बड़ी कौन सी है, ये वाली वैल्यू बिगर है. सो वाई ऑफ 1.199984 इज बिगर देन वाई ऑफ 1.941606. ठीक है, अब इसमें इंटरवल बना लें, ये जीरो है ये 3.1415 है और इसके दरमियान में ये पॉइंट है 1.199984 और दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट कौन सा है 1.19 1.94, तो 1.941606 ये पॉइंट्स है ना दोनों. अब इन पॉइंट्स को देख लें आप, इन पॉइंट्स में ये वैल्यू कौन सी बड़ी थी, ये फर्स्ट पॉइंट के ऊपर वैल्यू बड़ी है, तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर वैल्यू बड़ी है तो फंक्शन का जो मैक्सिमम है वो इस साइड पे, इस साइड पे ना मैक्सिमम फंक्शन का, तो इस साइड पे मैक्सिमम है तो आप नेक्स्ट इंटरवल जो चूज करें वो जीरो से कहां तक चूज करें, जीरो से चूज करें 1.941606, ये आपका नेक्स्ट इंटरवल आ गया. अब इस इंटरवल में आप फाइंड करेंगे फंक्शन का मैक्सिमा, तो इस इंटरवल में अगर आप फाइंड करेंगे तो ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है, जीरो से 1.941606. ठीक है, ये आप करेंगे तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर वही एज इट इज फंक्शन का ये बी है. ठीक है, माइनस इसकी लेंथ बी माइनस ए और एफ ऑफ एन माइनस वन ओवर एफ एन, ये मैं कर रहा हूँ. ठीक, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.741622. ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी. और इसी तरह x2 जो है वो a है तो a 0 हो जाएगा प्लस b माइनस ए, ये b माइनस ए है, लेंथ है इस इंटरवल की
और एफ एन माइनस वन है डिवाइडेड बाई एफ एन है, ये फिबोनाची रेशियो है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से पॉइंट आ रहा है, ये वाला आ रहा है 0.741622 और ये वाला है 1.19976, ठीक है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ले लें और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो पहला पॉइंट है उसके ऊपर करता हूं तो ये हो जाएगा 0.741622 और कॉज ऑफ 0.741622, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.546853, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। मेरे पास यही आ रही है, आपके पास भी होपफुली यही वैल्यू आ रही होगी। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है मेरे पास 1.199976, ठीक है। और इसका कॉज भी लेना, 1.99976 कॉज ऑफ 1.19976, ये आ जाएगा 0.434847, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। ये दोनों वैल्यूज आ गई, अब इसमें से आप मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं ना, तो आप देख लें कौन सी बड़ी है। तो y ऑफ x3 जो है ना, इसके ऊपर वैल्यू जो है वो बड़ी है इससे, ठीक है, ये वाली स्मॉलर है वैल्यू। तो अब मैक्सिमा किस तरफ होगा, उसी तरफ होगा ना। तो अब आपने जो नेक्स्ट इंटरवल लेना है वो है 0 से 1.19976 तक, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस आपने मजीद आप कंटिन्यू रखेंगे ना, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक दो स्टेप्स आपके लिए और करता हूँ, आपके साथ मिल के करता हूँ, ताकि ये क्लियर हो जाए इस एग्जाम्पल में हम कर क्या रहे थे और ये हुआ क्या, ठीक है। अब मेरे पास ये है 0 is less than equal to x is less than equal to 1.19976, ठीक है, 0 से 1.19976, ठीक है। ये मेरे पास इंटरवल आ गया, ए ये है, ये बी है, ठीक है, और बी माइनस ए भी हमें पता है। तो एक्स लेट्स से 4 तक हमने कर लिया मेरे ख्याल है, ठीक है, हर स्टेज पे x1 x2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको भी x1 ही कह दें। सो x1 कहेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस 1.19976 माइनस b माइनस a 1.19976 इंटू एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन, सो 377/610, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें, 377/610 की जो वैल्यू आ रही है ना वो है 0.6180, 377/610 को यहाँ लिख लेता हूँ, वो है 0.618032, ठीक है, ओके। अब ये क्या आ रहा है, इनटू 1.19976 क्या आ जाएगा, 0.7416 आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसमें से आपने ये भी करना है 1.19976, तो ये आपके पास आ रही है, वैल्यू आ रही है 0.458351 एक्स ऑफ एक्स वन आ रही है, ठीक है। और फिर एक्स टू क्या आएगी, एक्स टू आ जाएगी 0 प्लस 0 है ना, 0 प्लus 1.19976/377/610, तो x2 क्या आ जाएगा, x2 मेरे पास आ रहा है 1.19976 इंटू 0.618032, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 0.7416 1623, ठीक है। अब इसके ऊपर फंक्शन की, दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी वैल्यूएट कर लेना, y ऑफ x1 क्या आ जाएगा 0.458351 cos ऑफ 0.458351, और y ऑफ x2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.741623 cos ऑफ
0.741623, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉज ऑफ 0.741623, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.546853, और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है 0.458351 इंटू कॉज ऑफ 0.458351, ये वैल्यू आएगी 0.41104, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से देखें कौन सी बड़ी है, ये वाली इससे स्मॉलर ना, तो आपका मैक्सिमम जो है इस तरफ को आ गया। अब तो मैक्सिमम जो है वो अब अकर करेगा, ये वाला पॉइंट आप ले लें, एक्स वन क्या है, ये पॉइंट है ना, एक्स वन है 0.458351 से 1.199976, इनके इसके दरमियान मैक्सिमम। और इसी तरह आप नेक्स्ट दो सर्च पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे, उनके ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आपका मैक्सिमम आपके पास अकर करता जाएगा। अब फिबोनाची के जो एक दो इन वेरियंट्स लोग कंसिडर करते हैं ना, उनमें एक ये है कि यहाँ पे जैसे मैं सर्च पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ ना, तो जो इंटरवल लेते हैं उसमें एक पॉइंट तो जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ये जो जो पॉइंट आपने लिया ना, और दूसरा जो लिमिट है ना वो भी लास्ट इंटरवल की रखते हैं। तो इसमें अब यहाँ पे हर स्टेज के ऊपर मैं दो सर्च पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, वो हर हर पॉइंट के ऊपर एक ही नया सर्च पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक पिछले वाला ही एज इट इज फिक्स रखते हैं। तो आपकी मर्जी है, ये वाला मेथड ज़्यादा कॉमन है, लोग एक एक ही स्टेप के ऊपर दो सर्च पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं और उससे आपके पास फिबोनाची सर्च आ जाती है। तो आपकी मर्जी है, जो भी आप करना चाहें तो उसमें इतना मसला नहीं है। अगर इसी में आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज छोटी सी आपको दूँ, जो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आपने अभी लास्ट जब डाइकोटमस सर्च कह रहे थे ना, उसमें एक और फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर, ठीक है, और इंटरवल था आपका जीरो से थ्री था शायद, जीरो इज एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री, और इसके लिए भी आपने फाइंड किया था ना फंक्शन का मैक्सिमम और फंक्शन का मिनिमम फाइंड करना था, इसको मिनिमाइज करना था, ठीक है। इस फंक्शन को आप अगर फिबोनाची सर्च से मिनिमाइज करें तो फिर क्या होगा, ये भी प्लीज इसमें देखिएगा आप। तो इसको आप 10 पॉइंट लेट्स से कर लें, 10 पॉइंट फिबोनाची फिबोनाची है, फिबोनाची सर्च मेथड से इसको करें, ठीक है। इस मेथड से करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे ये आपने मुझे बताने, ठीक है। बहुत सिंपल है मेथड, ये भी फिबोनाची भी, आप दोनों मेथड को जस्ट कंपेयर कर लें आपको पता चल जाएगा, इन दोनों मेथड्स में कुछ भी नहीं है बेसिकली, दोनों मेथड को कंपेयर करेंगे आपको पता चलेगा कि हो सिर्फ ये रहा है कि दोनों में जो सर्च पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंट है, दोनों में सर्च पॉइंट्स डिफरेंट है, जिस तरह हमने इस मेथड को किया उसमें दोनों में सर्च पॉइंट्स डिफरेंट है। तो दोनों में से आप जो भी मेथड चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फिबोनाची यूज़ करेंगे तो इससे यूजली आप क्विकर अपने रिजल्ट्स पे पहुँचते हैं। तो फिबोनाची सेक्शनिंग होती कैसे है, आपने क्या करना है, सिचुएशन यह है कि मिनिमम ब्रैकेटेड बिटवीन एक्स वन एंड एक्स थ्री, ये आपका एक फंक्शन है कोई सा, उसका जो मिनिमम है वो एक्स वन और एक्स थ्री के दरमियान पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मिनिमम आपका एक्स वन और एक्स थ्री के दरमियान पड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप हर स्टेप के ऊपर नए पॉइंट्स को टेस्ट करेंगे और अपने इंटरवल का साइज कम करेंगे, ठीक है। हर पॉइंट हर स्टेप के ऊपर नए पॉइंट्स को टेस्ट करेंगे और अपने इंटरवल का साइज जो है वो कम करेंगे। अब वो मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा इंटरवल कंसिडर करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स फोर जो है जिसको हम यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं वो या तो इस साइड पे हो सकता है या आपका जो इंटरवल है, ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है, तो इस तरफ का इंटरवल आप कंसिडर करते हैं। ये अगर कम वैल्यू हो, ये दोबारा देख लें, ये इसकी अगर बड़ी वैल्यू होगी तो आप मिनिमाइज कर रहे हैं,
जो फंक्शन का मिनिमम है वो इस तरफ को अकर करेगा, ठीक है, और अगर एक्स फोर के ऊपर वैल्यू जो है वो कम होगी तो आपका जो पॉइंट है जो आपका मैक्सिमम वो इस तरफ को अकर करेगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल पॉइंट प्लेसमेंट है ये, आपने जो मतलब अपना पॉइंट को प्लेस करना है वो इस तरह प्लेस करना है कि आपका जो जो सर्च है जो जो आप कर रहे हैं जो सर्च पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं वो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में आ जाएं। पता नहीं बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में ये है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इससे बेहतर हम कर सकते हैं ये भी एक क्वेश्चन है कि हम इससे बेहतर करना चाहते हैं और इससे बेहतर कर सकते हैं। अगर इससे बेहतर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो क्या हो सकती है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन बेसिकली ये जहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आपने करना वही है एज इट इज़ जो हम पहले कर रहे हैं कि आपने फिबोनाची सर्च सीक्वेंस लगानी है, और फिबोनाची सर्च सीक्वेंस में क्या करना है, आपके जो सर्च पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे और सर्च पॉइंट जो है वो आपने उसी को देखते हुए आपने इंटरवल के साइज़ को रिड्यूस करना है और आपने देखना है कि आपका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो इंटरवल के किस साइड पे है। तो जिस साइड पे भी वो इंटरवल के मैक्सिमा या मिनिमा वो उस साइड वाला इंटरवल ले लेंगे और आप इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो ये बेसिकली फिबोनाची आपके पास सर्च थी, सर्च मेथड था। इसमें क्या हो रहा है, ऑप्टिमल सेक्शनिंग मेथड है ये। बेसिकली हमने वही अपने इंटरवल को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है, अपने इंटरवल का साइज कम से कम करना है और उस इंटरवल के अंदर मैक्सिमा या मिनिमा लाई करना चाहिए, ठीक है, ये बेसिकली हम कर रहे हैं ना। तो आपके पास एक इनिशियल इंटरवल होगा ए नॉट से बी नॉट तक जो गिवन होगा, जिसके अंदर मैक्सिमा या मिनिमा लाई करना चाहिए, उसमें सैंडविच होना चाहिए, उसमें ब्रैकेट हुआ होना चाहिए और प्री डिफाइंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूएशन है आपकी कि इतनी आपने वैल्यूएशन टोटल करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास फिबोनाची सर्च है, दोनों मेथड्स में क्या फ़र्क है, सिर्फ ये फ़र्क है कि दोनों में जो सर्च पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से चूज़ होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हम इसकी और देखते हैं और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो अब ये एक और एग्जांपल है एक्स साइन एक्स, मैं इस केस में ले रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स साइन एक्स है और जीरो इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू पाई अगर मैं ले लेता हूँ, इंटरवल है मेरे पास और n को आप ले लें लेट्स से 6 पॉइंट फिबोनाची सर्च कर लें, ठीक है 6 पॉइंट्स कर लें। ओके, अब इस केस में क्या होगा, फिर उसी तरह ही है, आपने सबसे पहले क्या चूज़ करना है, आपने सर्च पॉइंट्स चूज़ करने हैं। सर्च पॉइंट्स चूज़ करने हैं तो उसके लिए क्या होगा, x1 क्या होगा, वो होगा b जो कि पाए है यहाँ पे, माइनस b माइनस a पाए इंटू 6 पॉइंट्स हैं टोटल। तो अगर हम लेट्स से सिर्फ सिक्स इसके स्टेप्स ले लें तो यहाँ पे सिक्स स्टेप्स अगर लेंगे तो एफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एफ फाइव क्या है, फिबोनाची नंबर्स हमने देखने पड़ेंगे, हम खुद भी बना सकते हैं तब मसला नहीं है कोई वैसे। एफ फाइव जो है एफ फाइव एट है और एफ सिक्स थर्टीन है, एफ फाइव एट है और एफ सिक्स थर्टीन, एट और थर्टीन, ठीक है, ये 8 है और एफ एन जो है वो 13 है। तो 8 ओवर 13 रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन क्या आ जाएगा, 8 ओवर 13, 8 डिवाइड बाई 13 हमारे पास आ जाए 0.615384, ठीक है, ये हमारे पास आ गई रेशियो। तो अब इसको इसको मल्टीप्लाई करना है एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन से, ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 3.141593 इंटू 0.615384, ये हो गया, और 3.141593 तो ये पहली वैल्यू आपके पास आ रही है 1.20836, ठीक है, और ये दूसरी वैल्यू x2 क्या आएगा, x2 आएगा 0 प्लस पाई इंटू एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन, तो ये आ जाएगा बेसिकली आपके पास 3.141593 इंटू 0.615384, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी
1.93328। अब इन दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1.208306 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.208306 इंटू साइन ऑफ 1.208306। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.129786। और ये वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ 1.93328। इसको देख लेते हैं, 1.93328 साइन ऑफ 1.93328, तो ये वैल्यू है 1.807653। ठीक है, ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब आप इसको क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं या मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं फंक्शन को, तो ये अगर आप जाहिर है डिटरमिन करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि मिनिमाइज करना चाह रहे हैं मैक्सिमाइज, या मिनिमाइज के लिए और स्ट्रेटजी होगी, मैक्सिमाइज के लिए और स्ट्रेटजी होगी ना। तो इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन, इसका मैक्सिमाइज करना है। तो ये वैल्यू जो है ये इससे स्मॉलर है ना, तो मैक्सिमा इस तरफ चला गया ना, तो मैक्सिमा आपका होगा कहाँ पे होगा, मैक्सिमा आपका अकर करेगा इंटरवल है 1.208306 से कहाँ पे जाएंगे आप, पाई पे 3.141593। तो इस इंटरवल में आपका मैक्सिमा चला गया। एक स्टेप और करते हैं फिर इसको, हम इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वन क्या आएगा, एक्स वन है बेसिकली पाई बी है, तो 3.141593 माइनस बी माइनस ए आइए, ठीक है, बी माइनस ए कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए 3.141593 माइनस 1.208306, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आएगा बी माइनस ए 1.933287, ठीक है, इनटू एफ एन माइनस वन ओवर एफ एन, सो बेसिकली 8/13 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इनटू 0.615384, ठीक है, तो ये इक्वल है दिस इज इक्वल टू दिस एंड माइनस 3.141593, तो ये आ रहा है मेरे पास 1.951879, ठीक है। और x2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ से, तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0 प्लस क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द इंटरवल b माइनस a बेसिकली, तो वो है 1.933287 इंटू 8/13, तो ये क्या आ जाएगा 1.933287 इंटू 0.615384, तो ये आ रहा है 1.189713, ठीक है, ये x1 और x2 की दोनों वैल्यूज आ गई। अब इसके ऊपर जाहिर है फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, तो अगर आप फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा y ऑफ x1 क्या था, y ऑफ x1 था 1.951897, ठीक है, 7.9 है, ये कैलकुलेट करना है आपने। और दूसरा आपने क्या कैलकुलेट करना है, वाई ऑफ मेरे पास है 1.189713, ये दोनों कैलकुलेट करते हैं, x साइन x है, ठीक है, साइन ऑफ 1.189713, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1.104366, और ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा
1.95 1879 into sine of 1.95 1.9518 1879. ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1.81185, लेट्स से. ठीक है, ओके. अब ये इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लें, मैक्सिमा आप फाइंड करें तो ये वाली वैल्यू बिगर है, तो जो मैक्सिमा है इंटरवल का वो इस तरफ चला गया ना. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इंटरवल का? स्टार्टिंग पॉइंट था आपके इंटरवल का, इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट था 1.208306. उससे आपने जाना है कहाँ तक जाएंगे, उससे आप जाएंगे ओके. ठीक है, तो यहाँ से आप जाएंगे जो आपका मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे, तो 1.951879. ठीक है, ओके. तो ये आपके पास मैक्सिमा का नया इंटरवल आ गया. इस इंटरवल में आप मैक्सिमा आप फाइंड कर लें, तो आप इसी स्टेप्स को कंटिन्यू रखें, तो इन द एंड आपको मैक्सिमा मिल जाएगा. ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ. आसान टॉपिक्स थे बिल्कुल, कोई आज मुश्किल बात नहीं थी. नेक्स्ट टाइम एक इसी तरह का और मेथड है वो करेंगे, और कुछ और मज़ीद चीज़ें करके हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह. तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर क्लोज करते हैं. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने बेसिकली सर्च मेथड्स की बात की है. सर्च मेथड्स में सबसे पहले हमारे पास डाइकोटमस सर्च मेथड था, या टू पॉइंट सर्च मेथड था, उसको हमने दोबारा देखा, उसके एक और एग्जांपल की है. टू पॉइंट सर्च मेथड ये कहता है कि आपका जो भी इंटरवल है उसको आप हर स्टेप में टू पार्ट्स में डिवाइड करें, और टू पार्ट्स में डिवाइड करने के साथ साथ हर स्टेप में आप दो सर्च पॉइंट्स उसमें इंट्रोड्यूस करें. ठीक है, दो सर्च पॉइंट्स हर स्टेप में आपने इंट्रोड्यूस करने. वो दो सर्च पॉइंट्स कैसे बनाने हैं? वो दो सर्च पॉइंट्स ही मेन बात है, बाकी जो मेथड्स हम करेंगे उनमें और कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है. वो दो सर्च पॉइंट हम कैसे बना रहे हैं? हम इस तरह बनाएंगे कि जो भी आपका मेथड है सर्च पॉइंट्स, उसमें डाइकोटमस सर्च में ऐसे बनते हैं कि आप सबसे पहले अपने इंटरवल का मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं, और आपके जो दोनों सर्च पॉइंट हैं वो एक मिड पॉइंट के लेफ्ट पे होता है, एक मिड पॉइंट पे राइट पे होता है, और वो बहुत क्लोज होता है. एक एप्सिलॉन लेते हैं हम, आप बहुत स्मॉल एप्सिलॉन लेते हैं, तो आपने आपके मिड पॉइंट में से एप्सिलॉन बाई टू माइनस करते हैं, और मिड पॉइंट में से एप्सिलॉन बाई टू ऐड करते हैं, तो आपके पास दो सर्च पॉइंट्स आते हैं. ये आपका बेसिकली डाइकोटमस सर्च है. फिर आप देखते हैं कि कौन से सर्च पॉइंट के ऊपर वैल्यू, अगर आप मिनिमाइज कर रहे हैं तो कौन से सर्च पॉइंट के ऊपर वैल्यू कम है, मिनिमम है, तो उस तरफ फंक्शन का मिनिमम होगा. जहां बड़ी वैल्यूज आ रही हैं उस तरफ फंक्शन का कई वैल्यूज ज्यादा होंगी ना, तो मिनिमम उसी तरफ होता है जिस तरफ स्मॉलर वैल्यूज आ रही होती है. तो फिर आप इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इंटरवल की वो साइड कंसिडर कर लेते हैं जो जिस साइड पे मिनिमम है, जिस साइड पे वैल्यू स्मॉलर आ रही है. तो आप इंटरवल का साइज तकरीबन हाफ होता है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो आपको बताए कैसे ज्यादा होता है. तो ये आपके पास सिंपल डाइकोटमस सर्च है, इसी को आप कंटिन्यू रखते हैं. हर स्टेज के ऊपर आपके पास दो सर्च पॉइंट्स आते हैं, इंटरवल हाफ हो जाता है, और इन द एंड आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू मिल जाती है, काफ़ी क्लोज वैल्यूज इससे हमें मिलती हैं. और फिर हमने एक नया मेथड बनाया है, वो फिबोनाची सर्च मेथड है. वो फिबोनाची सर्च मेथड में हमने ये देखा कि फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर्स यूज़ हो रहे हैं. फिबोनाची सीक्वेंस क्या करती है, कैसे बनती है, ये मैंने आपको बताया कि इमीडिएट टू टर्म्स का जो ऐड करके आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस बनती है. तो अगर आपने थर्ड टर्म बनानी है तो उससे पिछली दो टर्म्स ऐड कर लें, फोर्थ टर्म बनानी है तो उससे पिछली दो टर्म्स ऐड कर लें, इमीडिएट दो टर्म्स उसके जो पीछे हैं वो दोनों ऐड करते हैं, तो आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस बनती है. ठीक है, तो फिबोनाची सर्च मेथड ये कहता है, उसमें सर्च पॉइंट्स डिफरेंट है ना, बाकी सब कुछ तो सेम होता है, सिर्फ सर्च पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं. तो सर्च पॉइंट आपने कैसे चूज करना है फिबोनाची में, वो हमने ये कहा है कि लेंथ ऑफ द इंटरवल को
आप क्या करेंगे, जो फिबोनाची नंबर्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे उसके रेशियो से डिवाइड करेंगे और वो लेंथ ऑफ द इंटरवल बी में से माइनस कर देंगे, तो एक सर्च पॉइंट आएगा, दूसरा सर्च पॉइंट आएगा कि वही जो लेंथ ऑफ द इंटरवल टाइम्स रेशियो ऑफ फिबोनाची नंबर्स उसको ए में आप ऐड करेंगे तो दूसरा आपके पास पॉइंट, इस तरह दो सर्च पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। इन दो सर्च पॉइंट्स के ऊपर उसी तरह आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इंटरवल को हाफ में डिवाइड कर देंगे और इस कंटिन्यू रखेंगे तो आपके पास इस फिबोनाची मेथड से आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा। तो इसकी भी हमने एक दो एग्जांपल्स किए हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे, सर्च मेथड जिसको हम गोल्डन रेशियो सर्च कहते हैं। तो फिर इसके बाद ये वन डायमेंशनल जो सर्च मेथड्स हैं उसको हम क्लोज कर देंगे और मज़ीद नए मेथड्स की तरफ समझाएंगे। सो होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा फिर मिलेंगे और इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you very much.